ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के अंदर काफी लोग सोचते हैं कि हमने क्यों किया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मैंने पूछा कैसे, वो कहता है देखो हमने की थी बैटरीज इन सीरीज, बैटरीज इन पैरेलल, तो हमने वो टॉपिक किया था इक्विवेलेंट बैटरी का, कि अगर बैटरी सीरीज में और इतनी बैटरी सीरीज की जगह एक बैटरी लगानी पड़े तो क्या करना है, पैरेलल में है तो एक बैटरी लगानी पड़े पैरेलल में क्या करना है। तो ये क्वेश्चन वो नहीं है, ये क्वेश्चन है कि मैंने आपको बहुत सारे सेल्स दिए, आपको एक डिवाइस में लगाने हैं, जैसे रिमोट में डालने हैं, आपको किसी टॉय में डालने हैं, कहीं पर भी डालने हैं। तो होता क्या, आपने देखा होगा रिमोट में कई बार एक के पीछे एक सेल डलता है, कई बार एक सेल के पैरल में एक सेल डलता है, किसी खिलौने में चार सेल में से दो सेल सीरीज में और दो पैरल में, या कई बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कैसे डिसाइड करते हैं कि सब सीरीज में लगेंगे या सब पैरल में लगेंगे, या कुछ सीरीज में और कुछ पैरल में लगेंगे, ये टॉपिक उसके ऊपर फोकस करता है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास कुछ सेल्स हैं और आप डिसाइड करना चाहते हो कि मैं सीरीज में लगाऊं या मैं पैरल में लगाऊं, या मैं कुछ सीरीज और कुछ पैरल यानी कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में लगाऊं, तो कैसे डिसाइड करते हैं। रूल नंबर वन, अगर एक सेल 1 एम्पियर करंट बाहर निकाल रहा है तो मेरे पास चार सेल्स हैं, तो अगर मेरे पास एक सेल 1 करंट बाहर निकाल रहा है 1 एम्पियर और मेरे पास चार सेल्स हैं, तो मैं क्या चाहूंगा कि 4 एम्पियर करंट बाहर निकले। मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि चार सेल भी 1 ही एम्पियर करंट बाहर निकाले, फिर तो चार सेल का फायदा ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि करंट मैक्सिमम बाहर निकले, तो मेरा अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि करंट हमेशा मैक्सिमम बाहर निकले। और वो किस पे डिपेंड करता है, करंट सर्किट की रेजिस्टेंस पे। तो सारी गेम किसकी है, रेजिस्टेंस की। तो रूल नंबर वन, कब सेल सीरीज में लगते हैं, तो अंडरलाइन करो, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स टुगेदर। तो अगर आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ी है, उस केस में सेल्स किस में कनेक्ट होंगे, इन सीरीज। ठीक है यहां तक, सीरीज में। और बहुत बड़ी का मतलब जैसे ये एक्सटर्नल है ये इंटरनल है, तो एन सेल्स सीरीज में है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, एन आर, एक्सटर्नल कितनी है, कैपिटल आर। तो अगर वो क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है इंटरनल से, तो बस आप सेल्स को सीरीज में लगा देना, करंट मैक्सिमम आएगा। इस बात को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकली हमने क्या किया, एन सेल्स हैं, एन सेल्स सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ क्या बनेगी इसमें, एनी डिवाइडेड बाय करंट क्या होगा सर्किट में, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, यही होगा। तो आपके सामने ये करंट लिखा हुआ ये रहा। अगर एक्सटर्नल बहुत बड़ी है इंटरनल से, अगर एक्सटर्नल बहुत बड़ी है इंटरनल से, तो उस केस में इंटरनल कैन बी निगलेक्टेड, तो आपके पास क्या आएगा, एन ई बाय आर, ये आएगा। तो ऑलमोस्ट ये करंट आ गया। अब अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक सेल होता, तो एन की जगह क्या पुट करते, वन, तो आपका सिंगल सेल आई एस का मतलब करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या होता, ई बाय आर। तो ई बाय आर, इस इक्वेशन में ई बाय आर को आई एस पुट कर दें तो टोटल करंट क्या होगा, एन इन टू इसकी जगह आई एस। तो यानी कि सिंगल सेल अगर करंट 1 एम्पियर निकाल रहे हैं और चार सेल्स हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 एम्पियर। तो ये प्रूफ है इसका कि सीरीज में लगाने के लिए एक्सटर्नल बड़ी होगी तभी मैक्सिमम करंट आएगा। आपसे पूछा नहीं जाएगा, एनसीईआरटी में आता नहीं है, बस ये रूल पता होना चाहिए। जैसे ग्रुपिंग इन पैरेलल, पैरेलल का ये अंडरलाइन करो, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, ये लिखो, ये गलत है। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स यानी कि कैपिटल आर बहुत छोटा है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स से, तो सेल्स को पैरेलल में लगाया जाता है। मैं प्रूव करके दिखाता हूं अपनी बात को कैसे।
तो इस केस में देखो, अगर आपके पास कुछ सेल्स हैं और पैरेलल में हैं, एम सेल्स हैं पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी आर आइडेंटिकल सेल्स हैं, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो इन सभी सेल्स की जगह एक बैटरी लग सकती है ई की, तो ई आ गया, और आर 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 किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कितने टाइम्स है, एम टाइम्स है, तो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी, एम बाई आर इज इक्वल टू 1/r', तो आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, आर बाय एम, ठीक हो गया यहां तक, तो ये आर बाय एम इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है, और एक्सटर्नल कितनी है, कैपिटल आर है, तो करंट सर्किट में क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय आर बाय एम, यही होगा करंट, यानी कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई डाउट इसमें, तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है देखो, ई डिवाइडेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है एक्सटर्नल से, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल आर कैन बी निगलेक्टेड, तो आपके पास एम ऊपर चला जाएगा, ये करंट आ गया, टोटल करंट की वैल्यू आ गई, तो ये टोटल करंट की वैल्यू आ गई, अगर एक सेल है तो एम की जगह क्या पुट करेंगे, वन, तो वन पुट करेंगे तो सिंगल सेल का करंट क्या आएगा, ई बाय आर, इस ई बाय आर को यहां पुट करके आंसर आएगा आई इज इक्वल टू एम इन टू आई एस, तो अगर चार सेल्स हैं तो चार गुना करंट आ जाएगा, तो जस्ट ये अपनी बात को प्रूव कर रहा है कि देखो जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही कहा, जो आपका क्वेश्चन आना है वो आना है मिक्स ग्रुपिंग पे, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आना है, न्यूमेरिकल में क्या आएगा अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मिक्स ग्रुपिंग के अंदर मिक्स ग्रुपिंग करते कब है, तो ये कंडीशन है मिक्स ग्रुपिंग की, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये अंडरलाइन करो, इज कंपेरेबल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, या उनमें से किसका फर्क है, ना कोई बहुत बड़ा ना कोई बहुत छोटा, तो मिक्स ग्रुपिंग है। कैसे, ये देखो आपके पास इसमें कितने सेल्स हैं, आपके पास एन सेल सीरीज में है, तो ई ई ई ई, तो यहां पर टोटल ई एम एफ एन ई, फिर से एन ई ई ई एन ई, हर ब्रांच की एन ई, और ऐसा कितने टाइम्स है, एम टाइम्स है, एम टाइम्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, एन इंटू एम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, एन ई एन ई एन ई आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो टोटल ई एम एफ क्या होगी, एन ई, टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल क्या है, कैपिटल आर, इंटरनल में ये सीरीज में है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एन इन टू आर, क्योंकि एन टाइम्स है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस एन इन टू आर, इसकी भी एन इन टू आर, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/r', 1/nr, 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 कितने टाइम्स, एम टाइम्स, तो क्या बनेगा, 1/r' इज एम अपॉन एन आर, या आर डैश इज इक्वल टू एन आर बाय एम, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह क्या पुट करेंगे, एन आर बाय एम, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक करंट की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है यहां तक, तो इस केस में मैंने करंट निकाल दिया कितना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एलसीएम लिया, एम ऊपर चला गया, एन इंटू एम टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो ये करंट आ गया। अब अगर ये करंट है, पता नहीं मैक्सिमम या मिनिमम, मुझे करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम में क्या होगा, करंट मैक्सिमम, अब डिनोमिनेटर को साइड पे लिखा, मिनिमम कैसे करेंगे, एन आर को लिखा रूट एन आर का स्क्वायर, एक ही बात है, एम आर को लिखा रूट एम आर का स्क्वायर, एक ही बात है, -2ab +2ab कोई फर्क नहीं है, कोई कट जाएगा, इससे क्या फायदा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे इस टर्म को मिनिमम करना है, मिनिमम करने के लिए ये सम ऑफ टू टर्म्स हैं, इनमें से एक भी जीरो होगी तो टर्म मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम करने के लिए अगर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो मिनिमम हो गया, तो ये टर्म जब इसके इक्वल होगी तो यानी कि ये टर्म बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो एन आर किसके इक्वल आएगा, एम आर, तो कैपिटल आर क्या आएगा, एन आर बाय एम, तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई तो इस केस में करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम, ये कंडीशन है। तो आप अपने फॉर्मूला बुकलेट में एक फॉर्मूला लिखें, अगर आप चेक करें ऊपर इसके अंदर, ये चेक करें, ये देखो ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल, तो हमने क्या किया, तो
तो आप एक नोट लिखें अपने फॉर्मूला रजिस्टर में, इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर मैक्सिमम करंट कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाय एम, ठीक है यहाँ तक? तो हमारे पास जो करंट आया था वो ये आया था। अब मैक्सिमम करंट कब आएगा? जब इंटरनल किसके इक्वल होगी? एक्सटर्नल। तो पुट कर दिया। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो मैक्सिमम करंट का, ये फॉर्मूला फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो। मैक्सिमम करंट का दूसरा फॉर्मूला मिक्स ग्रुपिंग में एन ई बाय टू आर, ठीक है? या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कैपिटल आर को पुट कर दिया जाए एन आर बाय एम तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब ये यूज करें या ये यूज करें एक ही बात है, वैसे ये ज्यादा चलता है। राइट, क्लियर है यहां तक?